महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में नगर निगम के कक्ष में 15वें वित्त आयोग समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि जनता को सभी वार्ड में पानी मिले, जिसको देखते हुए वार्डों में जहां कहीं भी नलकूप खराब हो गए थे, इसके लिए विभाग को धन अवमुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए 13 बड़े नलकूप 9 छोटे नलकूप बनेंगे। महापौर ने बताया कि महानगर में पानी की समस्या को देखते हुए 10 नए टैंकर को लाया जा रहा है, जो कि महानगर में पानी की किल्लत को दूर करेगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए 10 करोड़ 24 लाख रुपए राशि को स्वीकृति दी गई है। इस अवसर पर नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, जीडीए सचिव राम सिंह गौतम, उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा, पार्षद अजय राय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, जो महायोजना थी उसमें भी उन लोगों ने गड़बड़ी किया। रूल आ गया था सुप्रीम कोर्ट का कि जो सरकारी है उसमें किसी का कोई पट्टा नहीं होगा। कोर्ट में जिनका नक्शा पास है, राजा सभी लोगों में जिनकी खतौनी है, वो तो मान लीजिए उनका सही है, लेकिन हमारा जो शासन लगा है कर्मचारी अधिकारी होंगे सब वो ऊपर चले गए होंगे। कितना तो रिटायर होगा, रिटायर होंगे ऊपर चले गए होंगे। चप्पल हाँ लेकिन गड़बड़ हुआ है निश्चित रूप से। हमारे यहाँ भी हमारे जेल में जाता है मौके पर तो वो देखता है मौके पर जैसे कहीं पानी भरा हुआ है, एक दिमाग में बात आना चाहिए इसमें पानी क्यों भरा रहता है साहब, बताते हैं क्या ये, उसको लिख कर मंगाना चाहिए मौके पर पानी भरा है ऐसे में दर्द दर्द है तो इस समाज में आप कहते हैं कि ये तालाब है कि समुद्र मालिक है, लोगों ने किया है भाई बहुत आसानी से सवाल होता है यार नहीं देखा जब तो हम 2017 में आए तब टाइप किया हमने। अब देखिए हम लोग देखे हुए अस्सी के दशक में कि यहाँ पर कोई ऐसा वार्ड नहीं था जहाँ एक गड्ढा या तालाब नहीं था जिससे कि पूरा पानी उसमें डाइवर्ट हो जाता था। इतनी बड़ी नाली वाली नहीं थी और एसटीपी वगैरह नहीं बनी थी, तब की बात कर रहा हूँ। अब तो सब भर भर कर बीत गया, उसके पास जो रोड का चौड़ीकरण करने वाली संस्थाओं ने मनमानी की है, बार बार कहते कहते तब भी नहीं हुआ, तो उससे अगर वो खूब पानी लगेगा। और बड़े आश्चर्य की बात है इतने कॉन्फिडेंटली वो उनके चीफ इंजीनियर कहते हैं, महाराज जी पूछते हैं तो कि पानी तो नहीं लगेगा, हम तो हर मीटिंग में कहते रहे उसके बाद शांत हो गए। हम कहते सरकार कार्य में टूटी की आवाज़, भाई चीफ इंजीनियर कह रहे हैं तो हमारी बात सुने, हम लिखे लिखा पड़ी में देते रहे। इतना झगड़ा हुआ था तो कमिश्नर साहब के सामने भी झगड़ रहे हैं, ये तो काम करने में ज्यादा ही लगते जाने की गड़बड़ है। अब जैसे पहले से हम पाइप कपड़े मुझे ले दिया, हम पाइप डालेंगे ऐसे करके फिर चिल्लाएं हम लोग, तो फिर उन्होंने फिर कलवर बनाने का दूसरी बात झूठ क्यों बोलता है, सफेद झूठ बोलने वाले इतने इंसल्ट प्रूफ आदमी उनको कुछ भी कह दिए डांट दिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हम लोगों ने 15वें वित्त की बैठक की है जिसमें जनता को हर वार्डों में पानी मिले, तो जहाँ जहाँ हमारे नलकूप खराब हो गए थे वहाँ पर हम लोगों ने पार्षदों की मांग पर जलकल को धन अवमुक्त किया है, जिसमें 13 बड़े नलकूप बनेंगे और 9 छोटे नलकूप बनेंगे।
और 10 टैंकर जो हमारे नए आएंगे, जिससे कि जनता को समय समय पर पानी पहुंचाने में काफ़ी सुविधा होगी। इसका करीब 10 करोड़ 24 लाख रुपया इस पर नगर निगम व्यय करने जा रहा है। तो इसी के संबंध में मीटिंग थी और प्रस्ताव जो मिनी ट्यूबवेल और बड़े ट्यूबवेल के प्रस्ताव पार्षदों द्वारा आए थे उसे स्वीकृत कर लिया गया है।